Hello, this is your apartment. I need some favors from you. Your cat keeps rubbing against the kitchen island, and I can't return the favor. Can you give her extra pets for me? After that, could you bundle your renters and car insurance with Geico? We could save money, and it's easy to do online. And one last thing. Could you leave the TV on during the day? I need to catch up on my soaps. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today. बलराम जाने कब से इस उलझन में थे कि उनका गोपाल है कौन। हालांकि हर पल गोपाल के नारायण होने के बलराम को इशारे मिलते थे, पर जैसे उनका मन ही नहीं मानता था। भला उनका छोटा सा भाई नारायण कैसे हो सकता था? कभी सोचा है? शायद हमारे सामने भी नारायण हो और हम उन्हें पहचान ना पाते हो। खैर, सुबह हुई तो हर ओर चहल पहल मची थी। सारे बड़े बुजुर्ग घर के आंगन में इकट्ठे थे। प्रणाम उपनंद दादा। जीते रहो जीते रहो। ये इतने सारे फल फूल मिठाइयाँ घी दूध और मेवे, सवेरे सवेरे ये सब क्या हो रहा है? ये इंद्र यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। हम सब उसी के लिए जमा हुए हैं। बहुत सारी तैयारियां करनी है भाई, बहुत सारी। पर हम ये इंद्र यज्ञ क्यों करते हैं दादा? बेटा, इंद्र देव वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। अरे वही तो मेघ जल बरसाते हैं, जिससे हमें फल फसल सब गायों के लिए घास मिलती है। गोपाल, ये तो बहुत पुरानी कुल परंपरा है बेटा। पर बाबा, हमारा जन्म तो हमारे कर्म के अनुसार होता है ना। कर्म से ही तो हमें सुख दुख और मंगल अमंगल मिलता है। हाँ बेटा, ये तो सच है। मतलब ये कि जो कर्म नहीं करता उस पर इंद्रदेव की कृपा का भी कोई असर नहीं हो सकता। और जब हम सब अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं तो हमें इंद्रदेव की क्या आवश्यकता? उपनंद जी, इस गोपाल ने तो हमें ही उलझा दिया। तू कहना क्या चाहता है गोपाल? यही दादा कि हमें उसकी उपासना करनी चाहिए जो माता पिता की तरह हमारा पालन करता है। तेरी बात तो सही है गोपाल। दादा, हम हमेशा से वनवासी ही है ना, तो हमारे देवता ये पहाड़ और उनकी गोद में बसे वन ही हुए ना। इसलिए हमें इंद्र की जगह गौ अग्नि ब्राह्मण और गिरिराज का यज्ञ करना चाहिए। भाई लोगों, तुम क्या कहते हो सब? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यही करना चाहिए, बिल्कुल यही। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो है नन्हा।